लेकिन जो 5 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी फंसी हुई हैं, बीजेपी के हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। हजारीबाग से जहां की अब बीजेपी के प्रत्याशी मनीष जायसवाल की जीत जो है लगभग तय हो चुकी है, लगभग 2 लाख वोटों से वो आगे चल रहे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लोगों की काफी भीड़ यहां पर जुटी हुई है मनीष जायसवाल से मिलकर उन्हें बधाई देने के लिए। लोगों की लंबी कतार लगी हुई है, ढोल ताशे नगाड़े पर नाचते गाते झूमते हुए पटाखे छोड़ते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। ये उत्साह देख रहे हैं आप हजारीबाग के बाजार समिति के समीप से। यहाँ पर अब हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन्हें मिलकर बधाई देना चाहते हैं। हम भी उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये कितनी बड़ी है। तो ये जीत दर्ज करने के बाद मनीष जायसवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे ही जानेंगे कि पहली प्रतिक्रिया क्या है उनकी। मनीष जी, सर बधाई हो, लगभग 2 लाख वोटों से आपने आगे मार्जिन बनाया, क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? कि यहाँ के जनता को जिन्होंने वोट दिया है उनको बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बधाई, उनको बहुत शुभकामना इस सकारात्मक वोट के लिए। सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने वोट दिया है और वोट दे करके इतना बड़ा मार्जिन क्रिएट किया है। फिर से एक बार मोदी सरकार बन गई है, क्या कहें? देखिए, इंडिया को जो बहुमत आ रहा है और अभी तक शाम तक पिक्चर क्लियर होगा कि कितने सीट पर हम लोग आगे हैं। 72 दिनों का लगभग मेहनत कितना रंग लाया आप देख सकते हैं। जो हम लोग का टारगेट था लगभग 3 लाख प्लस का, वो लगभग हम लोग पूरा करेंगे। पहली प्रतिक्रिया मनीष जायसवाल जी ने दिया है, कहा कि यहाँ की जनता को इसके लिए धन्यवाद है जिन्होंने हमें वोट दिया है। ये हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ देख रहे हैं, वो यहाँ पर बधाई देने के लिए पहुंचे हैं, फूल लेकर कोई गुलदस्ता लेकर के तमाम चीजें लेकर के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनसे मिलकर जो उन्हें बधाई दे रहे हैं। तो यही नजारा जो है यहाँ से आपको देखने, देखिए दूसरे तरफ पटाखे भी छोड़े जा रहे हैं और ढोल ताशे नगारे पर जो है झूमते नाचते गाते हुए हजारों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर कितना उत्साह है, क्या ये जीत की उम्मीद पहले से थी